सभी मुंगेली जिलावासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजी राम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली जिले से रोजी रोटी के लिए अन्य राज्य जाने वाले 3,432 श्रमिकों के बैंक खातों में अब तक 4,55,000 से अधिक की राशि अंतरण किया जा चुका है। देखिए रिपोर्ट। नोवेल कोरोना वायरस यानी COVID-19 के वैश्विक संक्रमण से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा संपूर्ण देश में 3 मई तक की लॉकडाउन की घोषणा की गई है। मुंगेली जिले के अन्य राज्यों में रोजी रोटी कमाने जाने वाले श्रमिकों एवं मजदूरों के लॉकडाउन के दौरान फंसे होने पर उन्हें राहत देने हेतु जिला प्रशासन द्वारा विशेष कार्य योजना बनाकर जिला स्तर पर मॉनिटरिंग सेल का गठन, जिला स्तरीय कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। जिला स्तरीय कंट्रोल रूम के दूरभाष क्रमांक 07755274274 है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के निर्देशन पर स्थापित कंट्रोल रूम में रात दिन अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। ड्यूटीरत जिला स्तरीय अधिकारियों के मोबाइल नंबरों पर मुंगेली जिला से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, केरल एवं गुजरात राज्य में फंसे अनेकों मजदूरों द्वारा नियमित रूप से सहायता राशि की मांग की जा रही है। जिला श्रम पदाधिकारी मुंगेली द्वारा मजदूरों से प्राप्त विवरण का परीक्षण कर उन राज्यों के अधिकारियों से राहत सामग्री दिलवाने की व्यवस्था की जा रही है। संबंधित प्रदेशों से किसी कारणवश जिले के मजदूरों को तत्काल सहायता नहीं मिलती तब ड्यूटीरत अधिकारी कर्मचारी द्वारा उनके व्हाट्सएप पर ग्रुप फोटो, मजदूरों के नाम, पता एवं बैंक अकाउंट का विवरण प्राप्त किया जा रहा है। तत्पश्चात जिला प्रशासन मुंगेली द्वारा मजदूरों के उनके खाते में राशन, दवाइयों और रोजमर्रा की जरूरतों के सामान खरीदने हेतु ऑनलाइन राशि का अंतरण किया जा रहा है। इसी क्रम में डेडिकेटेड हेल्पलाइन योजना के तहत 3,432 से अधिक मजदूरों के बैंक खातों में अब तक 4,55,800 रुपए की राहत राशि का अंतरण किया गया है। कंट्रोल रूम में तैनात अधिकारी कर्मचारी मजदूरों के खातों में राशि अंतरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन मजदूरों से प्रतिदिन आत्मीय बातचीत कर उनके सुख दुख के साथ साथ उनके भोजन, राशन, दवाई आदि की उपलब्धता के संबंध में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और उन्हें लॉकडाउन तक जहां है वहीं धैर्य के साथ रहने की समझाइश दी जा रही है। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।